हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेन के कैलकुलेशन के बारे में। उसमें हम देखने वाले हैं कि जब भी हमें क्रेन का बूम लेंथ पता हो और उसके साथ साथ हमें बूम का हाइट भी पता हो तो फिर हम क्रेन का रेडियस कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके सामने ये क्रेन है जिसका बूम लेंथ है 15 मीटर और उसकी बूम हाइट दी गई है 10 मीटर। अब हमें इस क्रेन का रेडियस निकालना है, तो चलिए देखते हैं कि इसका क्रेन रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो पता ही होगा। आज हम उसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि जो राइट एंगल के अपोजिट साइड में होता है उसके बराबर होता है उसकी बाजू वाली जो दो साइड है उसका स्क्वायर उसमें प्लस किया जाता है, यानी कि हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिल जाता है। तो वो उसका पाइथागोरस थ्योरम है। तो इस पाइथागोरस का थ्योरम अब हम यूज करेंगे इस इक्वेशंस के ऊपर। तो अब जो आपके सामने ये जो क्रेन है इसमें दिखाई दे रहा है कि इसकी जो बूम लेंथ है वो है 15 मीटर और उसका बूम हाइट जो है वो है 10 मीटर। अब हमें इसका क्रेन रेडियस कैलकुलेट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये हमारा फार्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा, बूम लेंथ उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस बूम हाइट का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि रेडियस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बूम हाइट है ये हमें शिफ्ट करना पड़ेगा जहां पर बूम लेंथ है, यानी कि अदर साइड हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमारा फार्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा, रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू बूम लेंथ का स्क्वायर माइनस बूम हाइट का स्क्वायर। अब ये तो रेडियस स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो रेडियस का स्क्वायर है इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरे बाजू, रेडियस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बूम लेंथ स्क्वायर माइनस बूम हाइट स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो चलिए अब हम ये फार्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें क्रेन का रेडियस कितना मिलता है। जैसे कि हमें पता है कि बूम लेंथ जो है वो है 15 मीटर और हमारी बूम हाइट जो है वो है 10 मीटर। तो चलिए अब ये जो वैल्यू है ये हम फार्मूला में पुटअप करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है, रेडियस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 माइनस 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो हमारा रेडियस बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 125। तो स्क्वायर रूट ऑफ 125 जो हो जाएगा तो उसका रिजल्ट आएगा 11.18, यानी कि 11.18 मीटर जो है वो हमारा क्रेन का रेडियस है। तो इस प्रकार हमने पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करके हमने यहाँ पर क्रेन का रेडियस फाइंड आउट किया है, जिसमें हमें बूम लेंथ पता था और हमें बूम की हाइट पता थी। इसके बेसिस के ऊपर हमने क्रेन का रेडियस जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट किया है, तो वो आया है 11.18 मीटर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि क्रेन का रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं जब आपको पता होगा कि बूम लेंथ कितना है और बूम हाइट कितना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।